क्राफ्टन एंड गवर्नमेंट, और उसके बाद अब इस गेम को दोबारा इंडिया में लाने की प्लान हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, अगेन लीक है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। BGMI इज कमिंग बैक इन न्यू अवतार। जी हां, क्राफ्टन जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि बाकी गेम का बस यही सीन है, मान लो कि कल आ रहा है BGMI। तो वेलो, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। तो गाइज आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा गाइज आप लोग खुश खबरी देखने के मिल रहे हैं गाइज यहाँ पर, मतलब जो अपना BGMI ना वो मतलब गाइज आने ही वाले हैं भाई। मतलब गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे रिएक्टर दिखाने वाला हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर का, जिसको देख के गाइज आप लोग को लगे कि बस गाइज BGMI तो बस आ ही गया, मतलब गाइज यहाँ पर कल ही आने वाला है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन गाइज आप लोग देखने वाले जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो रिएक्ट किए हैं BGMI के ऊपर। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिएक्ट किए, तो गाइस देखने वाले क्या गाइस यहां पर अपना जो BGMI है वो आने वाला है या फिर नहीं। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो तक चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर अपने टेक्नो रिहर्स भाई का। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अचानक से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब हो गया। बाद में हमें यह पता चला कि भाई कुछ प्राइवेसी इश्यूज था, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऋषभ, ये वॉर क्या है ये भाई, वॉर मानिया, हाँ इसके CEO है, उन्होंने ये बताया कि कुछ प्राइवेट मीटिंग्स हो रही है बिटवीन क्राफ्टन एंड गवर्नमेंट, और उसके बाद अब इस गेम को दोबारा इंडिया में लाने की प्लान हो रही है। यानी कि जो भी इश्यूज थे सर्वर वाले वो फिक्स्ड किया जाएगा और गवर्नमेंट को बोलते ना दिलासा दिया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है और उसको इंडिया में लेके आएगी। इनफैक्ट कुछ फोटोज भी यहां पर आप देखेंगे गेम के बाहर आए थे, प्लेयर आईडी मतलब प्लेयर आईडी प्रॉपर नहीं शो करता है और दूसरे सर्वर पर कुछ दिखाने की बात कर रहा है, तो वहां पर वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है और जल्दी ही ये गेम ऑफिशियली आ जाएगा और फिर आप उसको आराम से इंडिया में खेल सकेंगे। तो भाई यहाँ पर अपने टेक्नो रोहित भाई कह रहे कि गाइज अपना BGMI का जो यहाँ पर मीटिंग है वो गाइज यहाँ पर चल रहा है एंड गाइज यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना BGMI आने वाले हैं एंड गाइज यहाँ पर अभी एकदम भाई मतलब बंदे लोग वर्क कर रहे हैं इस पर एंड गाइज यहाँ पर जल्दी गाइज यहाँ पर अपना BGMI इंडिया के अंदर देखने की मिल सकता है और गाइज अपना जो BGMI है प्ले स्टोर पर देख सकते हो और गाइज इजिली अच्छे से भी खेल सकते हो। जो गाइज अभी बहुत ज़्यादा पिंग हाई है वो सब कुछ ठीक हो जाने वाले हैं। तो गाइज अब देखने वाले अपने OCN गेमिंग भाई का। What about our Indian teams after the suspension of BGMI? यार मैं तो ये बोलूंगा, देखो if we talk about it ना, BGMI के suspension के बाद, suspension ही है अभी पहली चीज, again ban नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा ban हो रखा है, ये हो रखा है, वो रखा है, ban नहीं है, yes suspension है, but what I believe is Indian teams are still doing what they do, games खेल रहे हैं, tournaments खेल रहे हैं, new state को खेल रहे हैं, tournaments in the sense ऐसे अपने class, custom थोड़े बहुत खेलते रहते हैं, because they also have a hope, उसी होप को रखो कि होप रहे, तो अभी तो यही चीज है यार। बाकी गेम का बस यही सीन है, मान लो कि होप है कि आएगी। तो भाई लोग ओशियन भाई कह रहे कि गाइस यहाँ पर जो अपना गेम है वो गाइस यहाँ पर बैन नहीं हुआ है, वो गाइस यहाँ पर सिर्फ गाइस हम लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सब जगह से हट चुका है, यूसी परचेज भी नहीं कर पा रहे और प्ले स्टोर पर से भी गाइस और ऐप स्टोर पर से कहीं पर से भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे, लेकिन गाइस जिस बंदे के पास BGMI है वो गाइस यहाँ पर खेल पा रहे, मतलब गाइस BGMI भी बैन नहीं हुआ है, बस गाइस यहाँ पर प्ले स्टोर वगैरह से सब जगह से हटाया गया। तो गाइस अभी वो गाइस यहाँ पर हम लोग होप रखते कि गाइस यहाँ पर अपना BGMI आ जाए, तो गाइस यहाँ पर आशा ही रख सकते हो और कुछ भी नहीं रह सकते, बस गाइस इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं। तो गाइस जरूर अपना BGMI आने वाला है। तो गाइस चलो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्ट पे। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, अगेन लीक है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। BGMI इज कमिंग बैक इन न्यू अवतार। जी हाँ, क्राफ्टन जो उनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने कहा है कि, कहा तो नहीं है उन्होंने, बट ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो BGMI है नए अवतार में नए नाम के साथ आने वाला है, गेम वही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ये BGMI क्यों बैन किया, क्योंकि उनके जो सर्वर से जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है वो कम्युनिकेट करते हैं चाइनीज सर्वर के ऊपर, तो वो जो डेटा है वो दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करेंगे, ऐप का नाम कुछ अलग कर देंगे और फिर से लॉन्च कर देंगे BGMI। वाओ वाओ, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, क्राफ्टन कैन नॉट लूज इट, हुक और क्रूक वो लेके आएंगे, ऐसे लग तो रहा है। तो वह लोग अपने ट्रैक भाई कह रहे कि गाइस यहाँ पर अपना जो BGMI वो गाइस यहाँ पर अपने न्यू अवतार के साथ, अपने न्यू नाम के साथ एंड गाइस यहाँ पर मतलब गाइस न्यू लोगो, न्यू नेम एंड गाइस यहाँ पर बहुत सारे नए नए चीज आने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि गाइस अपना जो BGMI वो गाइस यहाँ पर नए नाम और नए लोगो या फिर गाइस यहाँ पर अलग ही अवतार लेकर आने वाला है? तो गाइस आप लोग क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस एक और चीज कमेंट में जरूर बताना कि गाइस आप लोगों को क्या लगता है अपना BGMI गाइस यहाँ पर अनबैन हो जाएगा, मतलब गाइस यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर वापस आ जाएगा
या फिर गैस यहाँ पर अलग से आने वाला अपना बीजीएमआई या फिर गैस कुछ दूसरा वाला बीजीएमआई आने वाला है, दोनों में से क्या होने वाला है आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो भाई लोग बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब, तो भाई लोग बस यार मिले किस वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।